अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के दिन मैं आपके साथ अपनी जुमा रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले उठते साथ आई वॉश माय फेस, उसके बाद जो है मैं अपना बेड क्लीन करती हूँ, अपने पिलोज वगैरह सेट करती हूँ, क्योंकि रूम क्लीन हो तो फिर इंसान को अच्छा महसूस होता है, विच इज़ अ वेरी मस्त थिंग। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट अपना ख़ुद बनाती हूँ, कभी कभी मुझे मम्मा बना देती हैं ब्रेकफास्ट। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट रखूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेरे पैरों में बहुत जलन होती है। सो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और जो है मेरी कोशिश है कि मैं जो उसको लाइट से लाइट रखूँ। दिस इज़ द रोटी एंड दिस इज़ एग एंड दिस इज़ माय अच्छा। गर्मियों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नाश्ते में चाय नहीं लेते, लेकिन मेरे लिए चाय इज़ अ मस्ट थिंग, क्योंकि चाय से मुझे लगता है ये मेरी एनर्जी बूस्ट होती है। नाश्ते के कुछ टाइम बाद जो है मैं लीमू पानी ज़रूर पीती हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से चाय वगैरह जो पी होती है और उसके ऊपर से पी लो तो इंसान सही रहता है। ओके, सो दिस इज़ द ड्रेस जो कि मैं आज जुम्मे के दिन पहनूंगी। इसको मैंने प्रेस किया था पर थोड़ा बहुत लाइक यहाँ से ख़राब हुआ है। सो अभी मैं शावर लूँगी, पहले शावर लेके फिर मैं वापस आती हूँ। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुम्मे के दिन हम साफ़ सुथरे कपड़े पहने। सो मैं ये कपड़े पहनूंगी आज अभी मैं। और बाय द वे, आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन हुई हुई है फ़ोन यूज़ करने की, कोकोमेलन देखने की और ये सब, और मेरी बेटी तो हर टाइम 24/7 इस पर बैठी रहती है। अच्छा, तो खैर यहाँ पे मैंने शावर वगैरह ले लिया था और मैं नमाज़ पढ़ रही थी जुम्मे की, और इसके बाद जो है मैंने जो भी अपने जुम्मे के जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म किए। मुझे लगता है वो थोड़ा पार्ट जो है हमें प्राइवेट रखना चाहिए। और आज चूँकि फ्राइडे है तो आज जो है हमारे यहाँ चिकन पुलाव बनता है। यूजली हमारे यहाँ चिकन पुलाव बनता है और मुझे मेरी मम्मा के हाथ का बहुत 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 पसंद है। तो यहाँ पे जो है चिकन पुलाव बन रहा था और मेरी ड्यूटी थी कि मैंने सैलड बनाना है, और मैंने सैलड बनाया। और जो है मेरे जो मम्मा ने है चिकन पुलाव और चटनी के साथ जो है बहुत शौक से खाया जाता है। तो यहाँ पे जो है टेबल पे बर्तन वगैरह रख दिए थे। और यहाँ पे जो है मैं खाना खाने लगी हूँ, और इन दिनों आई ओनली लाइक टू हैव सैलड, तो इसलिए मैंने चटनी वगैरह कुछ नहीं डाली थी। A few moments later, I'm going to check my daughter's reaction because she loves ice cream. So you have to close your eyes. Open your eyes. You like it? Rishi, you like it? Okay. इसको ऐसे ऐसे रखो, कप को पकड़ो ना। जी वेलकम। अच्छा, तो अभी जो है शाम हो चुकी है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा वगैरह चल रही थी। तो हमने जो है अपनी शाम की चाय वगैरह पी, और चाय वगैरह पीने के बाद जो है मेरी बेटी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे प्लेलैंड जाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वहाँ ले जाऊँ। तो क्या कर रही हो? और यहाँ पे मैं इसको प्ले लाइन ले आई हूँ। मुझे याद है कि आज से कुछ मंथ्स पहले मैं इसको फ़र्स्ट टाइम जब प्ले लाइन लेके गई थी तो शी क्राइड अलॉट, जब मैं इसको जिस भी झूले पे बिठाती थी या घर से रोती थी। और अब वो वक्त आ गया है कि अब ये वहाँ से निकलते हुए रोती है। तो बिकॉज शी ग्रू अप एंड शी लव टू गो टू प्ले लाइन। और यहाँ पर जो है फिर हम लोग उसके बाद टेलर के गए थे, मुझे अपने कुछ कपड़े वगैरह उठाने थे टेलर से जो मैंने स्टिच करवाए थे। A few moments later. Okay, so अभी मैं वापस आई हूँ। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, तो अभी मैं कुछ अपना खाऊंगी और उसके बाद जो है मैं आपको अपडेट करती हूँ। और अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं लेमन वाटर पीने लगी थी, और इसका कलर इसलिए चेंज है क्योंकि इसमें मिंट्स भी ऐड हुए हैं। सो आई एम गोइंग टू हैव दिस जूस नाउ। आपने पीना है जूस, आ जाओ पी लो। मौसम भी अच्छा हो रहा है, इट्स मगरिब टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं फ़्राइज़ बना रही थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसे फ़्राइज़ बहुत पसंद है और उसकी मम्मा को भी बहुत पसंद है फ़्राइज़। तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा लेज़ी मदर हूँ, जब भी मुझे कुछ ऐसे बनाने वगैरह की चीज़ों में मैं ज़्यादातर जो है
मतलब मैं कहती हूँ कि जितना टाइम गुजर जाए मैं इसको बाहर की चीज़ें ला दूँ, लेकिन मुझे पता बाहर की चीज़ें जो है बच्चों के लिए बहुत अनहेल्दी हैं। तो अब जो है मैं कोशिश करती हूँ कि इसको घर की चीज़ें कुछ ना कुछ बना के दे दिया करूँ। अच्छा, तो रात के टाइम हो रहा था और यहाँ पे जो है मैंने नाश्ते में भी आज ये वाली रोटी ली थी, क्योंकि इन दोनों मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें कोई आटा मिक्स हुआ हुआ है और जो है मैदा टाइप ले सकते हैं आप, और एक एग बीट करना है और बीच में आपने थोड़ा सा दूध डालना है, और ये रोटी इतनी 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 यमी बनती है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। और इग्नोर कीजिएगा जी इसकी शेप को, क्योंकि शेप मैटर नहीं करती, मेरे ख्याल है टेस्ट मैटर करता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यम थी। तो रात में जो है मैंने इसको बना, इसको फिर मैंने खाया था, मम्मा से रेसिपी पूछ के बनाई थी और ये बहुत ज़्यादा यम बनी थी। और मैंने रात को इसको मैंगो जूस के साथ लिया था, तो इट वाज वेरी टेस्टी एंड वेरी गुड।